छोड़े धीरे धीरे भला। झूरे या उतारे पर हुका जयकारा लगावत हुई सी। तो भूरा तो ही लगा दे जयकारा। और लगावत हूँ जयकारा शेर वाली दा। धीरे धीरे आवन देव। जय माता दी। जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। मिलकर बोलो। जय माता दी। अरे रुक जा रुक जा। मैं आवाज नहीं रुक के रुक के इसे समारे रहा भला। हां इसे पकड़ रहा भला आवाज नहीं। चल भोला काका जल्दी आ भैया मैं समन का भगा दिनो। अभी तुम देवी मैया का पंडाल में लेके चला पंडाल में। मैं कहां जाता हम तो पंडाल पहुंचा था। हलवा भैया मैं चलूं डीजे लेके अपन। हां तो डीजे लेके पहुंच पंडाल में पहुंच पंडाल में मिले। हां हां ठीक। मैं कहूँ नहीं जाते हो मैं हवन हवन का इंतजाम आकर जाता हूँ। कहे काल हवन न करियो का काल से बैठ किया लागे का है। तब महू का पता है कि काल से बैठ की लागे का है। अरे तो ननकुता हवन के इंतजाम आकर जाता का हवन कुंड का। हाँ यार टिर्रा मैं हवन कुंड का इंतजाम कर जाता हूँ। कलुआ भैया यही इंतजाम कर जा दिया तुम लेके चलो देवी मैया खातिर। हाँ कलुआ ननकू सही कहा था कहे का हमारा तुम्हारा टाइम बर्बाद हुए। भाई इंगे एक जन चौधे तो हवन का इंतजाम कर ली और हम लोग पहुँची पंडाल मानी। गोपाल काका यह बता कि देवी मैया को उतरवाई फिर अगर ननकू चौधे तो हम तीन जने ने उतार लिया का ट्रैक्टर से। हम तीन जने तो हैं लेकिन कम से कम चार पांच आदमी तो हो चाहिए। ऊपर से हमारे पंडा बाबा का भी आता पता नहीं है कहाँ भाग गए हैं। पंडा बाबा का फोन आता मोरे लगे वो कहा था पंडाल में मिलियो। कलुआ देरी न कर जो कुछ करेगा जल्दी कर। हाँ कलुआ भैया जल्दी कर काल से बैठ किया लागे का है। आओ ठीक है जा हवन का इंतजाम कर हम पहुँचा था जब तक है। आराम से जाए भला ज्यादा भगा के ना जाए कैसे दो ही जने यहाँ पकड़े देवी मैया का। हाँ मालूम है ठीक है गोपाल काका पकड़े रहो भला निकितान से। हाँ छट न पावे देवी मैया। तो जल्दी आए हैं। हाँ हाँ जल्दी आई हूँ। अला तुम आए पकड़े हो। हाँ पकड़े हैं चला रहा हमारा। हे अंगना पधारो महारानी। हो मैया अंगना पधारो महारानी। हो मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी। हो मैया मोरी शारदा महारानी अंगना पधारो महारानी। ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है। ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है। मंदिर में मैया का आसन लगो है। मंदिर में मैया का आसन लगो है। ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है। मंदिर पे मैया को आसन लगो है। आसन पे बैठी महारानी। हो मैया मोरी शारदा भवानी। आसन पे बैठी महारानी। मोरी शारदा महारानी। अंगना पधारो महारानी। मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी। मोरी शारदा भवानी। अलवा भैया पंडाल आ गए। हाँ हाँ आ गए आ गए। लेकिन यहाँ टिर्रा पंडाल में तो कोनो नहीं है। पंडाल में कोनो नहीं है। हाँ सही में कोनो नहीं है। अब बता हम तीन जने करवे का ट्रैक्टर को चलाई देवी मैया का भी ट्रैक्टर से कैसे उतारो जाए। तीन जने में बन जाई। यहाँ कोनो तो देवी मैया का ही तीन जने उतरवाई ट्रैक्टर से बन जाई। प्रयास करी का है। हाँ देवी मैया का नाव ले जाए और काम शुरू किए जाए आएंगे। कलुआ तो नीचे आ। ठीक है तो मैं आवत हूँ। हाँ बताओ गोपाल काका कैसे उतरवे देवी मैया का बताओ। कलुआ तो पहले पकड़ ले शेर का पाँव टिर्रा तो पकड़ ली है पेट शेर का और धीरे धीरे उतारे का बिल्कुल धीरे धीरे ठीक है। ठीक है हाँ पकड़ ली नो शेर के पाँव ला धीरे धीरे छाड़ो। कलुआ हर अकेले मूर्ति उतारा थे का। अरे रह जा वावा भाई नाम। आओ भैया जो कोनो हो आ जल्दी से आओ भाई हाथ लगवावा जल्दी। अरे आ कलुआ तीन जने भला देवी मैया उतारेंगे ट्रैक्टर से। का करूँ जब कोनो नहीं है तो अकेले उतारब। अकेले उतारब ए उधे वाला काम ना करो कर भला। अरे कोनो कहाँ जान दे तो रुक जाते हो कोनो जल्दी मची रहा था। वाह गया उतरवा ऐसा ना कर टाइम नहीं है। ठीक है उतरवावा तू। हाँ भैया आ रहा धीरे धीरे छोड़े धीरे धीरे भला। झूरे या उतारे पर हुका जयकारा लगावत हुई सी। तो भूरा तो ही लगा दे जयकारा। आओ लगावत हूँ जयकारा शेर वाली दा। कौन सा छे दरबार की जय। आवन देव धीरे धीरे आवन देव। जय माता दी। जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। मिलकर बोलो। जय माता दी। अरे रुक जा रुक जा। मैं आवाज नीचे रुक के रुक के इसे संभाले रहा भला। हां इसे पकड़ रहा भला आवाज नहीं। चल भोला काका जल्दी से। टिक्टर सीधा पंडाल में बैठा देंगे। चला जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। चला एक काम से फुर्सत हुई गई जो बहुत जरूरी काम रहा है देवी मैया खातिर पंडाल में बैठा देगा है। और ननकू और पंडा बाबा का तो पता नहीं है कहाँ है। पंडा बाबा का बता हवन में बैठे का है। हाँ कलुआ भैया तुम सही कहा था पंडा बाबा का पता नहीं है। पंडा बाबा तो बैठे हैं हवन में।
पंडा बाबा की बात कर रहा था। हाँ पंडा बाबा के, नहीं दिखाने का पंडा बाबा। अरे वही घर में है। तो जा जाके लवा ला। हम उसे नहीं पंडा बाबा। कहे नहीं तो उसे? नहीं तो नहीं, बस लुआ भैया तुम ही जाके लवा लाओ पंडा बाबा का जावा। अब तक ननकू आवत है हवन हवन का सामान मान लेके। हाँ हम हवन कुंड बनावत है। हवन कुंड बनाओ का हवन कुंड लुआ पंडा बाबा का और पंडित जी का, दोनों जन के लवा के लावे का है। भला पंडा बाबा हवन बैठी और पंडित जी पूजा करवाइये घट स्थापना के। भला हाँ हाँ मुझे मालूम है, मजा तो लवा के लावत हुआ है। तनकू आ जा कहूँ जाए नदी ने, वही का बहुत काम है। हाँ मैं जा रही हूँ। बांदा मा पंडाले सजावना, मैया बांदा मा दोबारा फिर आवना। अरे भैया एक बात बोलूं? हाँ बोल। देवी मैया बहुत खूबसूरत लगती है। इसे तुम देवी मैया कहाँ से लेके आए हो? जबलपुर के आई देवी मैया, जबलपुर से मंगवाओ है। आकई मानी जबलपुर के कारीगरन की तारीफ है, देवी मैया बहुत खूबसूरत बनावत हुई जबलपुर वाले कारीगर। सुनिए हाँ बता। हवन हवन कुंड बनवा लिया थोसी थोसी का हवन कुंड पूरा बनी पूरा। देवी मैया का हवन कुंड बनावे का है और साफ सुथरा ईटा लेके आए, जो चट्टा लागे उठिए देखे ना नौ नौ चट्टा लागे। चल जा लेके आ जल्दी। टुल्ली भैया तुम हो तो चलिया। अरे हाँ चला तू। गोपाल काका तुमने चलिया का चला टर्रा चौ जा। देवी मैया का छाड़ के मैं कहूँ देंगे। गोपाल काका तुम चाह जाओ ईटा लवा लवा जावा। ठीक है तो चला भैया हरा चला। पता नहीं आज कलुआ आ रहे देवी जी रखी है कि ना रखी है पंडाल में। पंडा बाबा कलुआ देवी जी का आज रख दिन हो तुम पंडाल में। हाँ रख दिन गाओ तुम चलिए तबे तो काम आगे हुई। तब बढ़िया कीनो देवी जी पंडाल में बैठ गई हैं, तुम अब एक काम से फुर्सत हुई गए हो। तब पंडाल चली चला। पंडाल नहीं अभी पंडित जी का लवा जाए का है। पंडित जी पूजा हवन करवाई है ना, उनको गाय हवन का सामान ले। चलो तुम पहले मोह साथ पंडित जी के घर चली चला। हाँ चल। बांदा मा पंडाल सजावना, मैया बांदा मा दोबारा फिर आवना। पंडित जी ओ पंडित जी कलुआ तो गाना ही बहुत अच्छा गा लेता। पंडा बाबा गुनगुनात रहा तू, थोड़ी बहुत सीखा तू अबे। हाँ कहा कलुआ दादू माँ पंडाल में देवी जी बैठ गई है, चला हवन पूजा करवा दिया। चला बैठ गई का तुम्हारे यहाँ? हाँ हाँ बैठ गई। ठीक है फिर चला। हवन हवन कुंड बन गया है कि नहीं बनाया बे? हाँ सब लड़का लागे हवन कुंड बना ली नुंजन। और का कहा थे हवन का सामान भी आ गई तुम चला चला फिर। भैया तुम्हारा हवन भी तैयार हुई और बतावा कुछ सेवा? बस अब ननकू भर के आओ की देरी है, सामान वामान लिया हुआ तो फिर हवन शुरू हो जाए। अरे ननकू आओ कि ना आओ? आए कलुआ भैया कहाँ आओ अबे? कहाँ निकल गया हवन का सामान ले? तो लगा था कि अभी देसे भाग दा हवन का सामान ले, अभी तक ना आओ। ता नहीं कहाँ रहेगा, हमारा सब कुछ काम होगा। बता हम देवी मैया खातिर भी पंडाल में बैठा दिन, हवन कुंड भी हमारा बन गया, मैं पंडा बाबा के भी लवा ला पंडित जी का भी लवा ला, या अभी तक ना आओ? पकड़ ली इसका यही दादू, हवन के बगैर पूजा कैसे हुई फिर? पंडित जी हाँ दादू भैया कहा तो कि थोड़ी देर इंतजार कर लीन जाकर ननकू का, और उतर हुई रास्ता में हुई बहुत देर का गाय। ठीक है कर लिया जितनी देर तक तुम्हें इंतजार करे का हो। अरे लेकिन ननकू कहाँ रहेगा समझे में नहीं आवा था कुछ। पंडा बाबा कोनो दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत का नहीं है कलुआ, टाइम निकल रहा था वे, या आ जात तो जल्दी से काम शुरू हुई जात, हवन हुई जात, पूजा पाठ हुई जात तो सब फ्री हुई जाते, लेकिन यहाँ का आता पता नहीं है। अबे आ गए आ गए। आया कहाँ रहेगा तई? आया कोनो तो पकड़ कर ली तक कर कहा यार, बाजार में इतनी भीड़ रही है इतनी भीड़ रही है, कुछ कहाँ करे मैं तुम्हें कहा बताऊँ। ससुर निकले तक की जगह नहीं रही है, भीड़ के चक्कर से हवन का टाइम निकल गा। अब हवन न हुई का? हवन हुई लेकिन अबे मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त नहीं है मतलब समझ में ना आओ पंडित जी? पंडित जी मुहूर्त नहीं है? मुहूर्त नहीं है या फिर मुहूर्त कब आई? मुहूर्त आई लेकिन थोड़ा समय लागी मुहूर्त के आओ मानी। तुम एक काम करा, जब तक तुम पूजा पाठ का पूरा सामान तैयार कर लिया, मतलब मिला ला लिया लाई चना सब जुकुछ लेके आ जाऊ, तिल जावा ये सब मिला भी ला लिया, घी सब बढ़िया खोल खाल के धर लिया, अब बताओ तुम मुहूर्त पत्र में देख के बताओ तू कब है मुहूर्त। ठीक है पंडित जी फिर बताओ जल्दी बताओ, लेकिन तुम यूँ गए यूँ आयो? ठीक है जावा जल्दी आवा फिर। अच्छा यार ननकू तो वजह से मुहूर्त नहीं कर गया यार, जाने कब का गए, एक घंटा लगा दी नेता दो घंटा। अच्छा ठीक है ना दूसरे मुहूर्त में पूजा कर ले, दूसरे मुहूर्त में पूजा कर ले। ठीक है दूसरे में करबे का है, एक मुहूर्त तो निकलेगा तो भैया हरा हमारे एक मुहूर्त निकल गया है, हम दूसरे मुहूर्त में पूजा करबे जब तक लाने बने रहे, दूसरा पार्ट में वीडियो मानी। ठीक है तो चल भाई जय हिंद जय भारत जय श्री राम। और हाँ वीडियो तुमका पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल अगर पहली बार हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। चलो तुम्हें जय हिंद जय भारत जय श्री राम।